दोस्तों आप सबका स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों महिंद्रा सुप्रो EPV 2.0 इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा को। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इसकी नई कैश प्राइस क्या देखने को मिलेगी। अगर आपका बजट कम है और आपको कराना है इस रिक्शा को फाइनेंस पे, तो आप इसकी कम से कम डाउन पेमेंट क्या कर सकते हैं, EMI के दो प्लान क्या होंगे, सभी बातें आपको वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस ऑटो रिक्शा के कैश प्राइस के बारे में। एक्स शोरूम प्राइस आपको 3,44,000 रुपये। वहीं ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ऑन रोड प्राइस में हमने RTO इंश्योरेंस और अदर चार्ज को ऐड करने के बाद ऑन रोड प्राइस को निकाला है। ऑन रोड प्राइस आपको 3,92,500 रुपये देखने को मिल जाती है। ऑन रोड प्राइस आपको हर एक स्टेट में अलग अलग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये तो बात हुई इस ऑटो रिक्शा के कैश प्राइस के बारे में। अब बात करते हैं इसके फाइनेंस के प्लान के ऊपर। अगर आपका बजट कम है और आप करते हैं डाउन पेमेंट 80,000 रुपये की, तो इसकी लोन अमाउंट आपको 3,12,500 रुपये निकल के आती है। अगर आप कराते हैं कंपनियां बैंक से फाइनेंस, तो रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% और लेते हैं टाइम अगले 5 साल यानी 60 महीने इसकी लोन अमाउंट को कंप्लीट करने के लिए, तो उसकी महीने की EMI आपको 6,487 रुपये पर मंथ निकल के आती है। तो दोस्तों तो बात हुई हमारे EMI के पहले प्लान के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं हमारा दूसरा प्लान जो हमने लिया 6 साल के लिए। अगर आप कराते हैं इस ऑटो रिक्शा को फाइनेंस पे, तो आपको इसकी पर मंथ की EMI 5,673 रुपये निकल के आएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आप महिंद्रा सुप्रो EPV 2.0 इलेक्ट्रॉनिक के कैश प्राइस और फाइनेंस के प्लान के बारे में बताया है। अगर आप भी चाहते हैं किसी गाड़ी बाइक के बारे में जानना, कितनी डाउन पेमेंट पे जानना चाहते हैं, आप हमें नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।